दिल्ली में कल होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम योगी भी बैठक में लेंगे हिस्सा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन पर मेरा संघर्ष में जीवन खिताब पर किया विमोचन, कहा पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी लोकसभा विधानसभा का चुनाव, सरकार पर बोला हमला, कहा निवेश के नाम पर हो रही नाटकबाजी। प्रयागराज में जिला स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, करीब 33,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर मोहर लगने की उम्मीद, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कार्यक्रम में रहे मौजूद। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी के घर सीबीआई की रेड, 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद हिरासत में लिया गया व्यापारी, कई अहम दस्तावेज लेकर दिल्ली रवाना हुई टीम। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान, पिछली सरकारों की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे अधिकारी, योगी सरकार में करप्शन पर होगा सख्त एक्शन, जाएंगे जेल। गोरखनाथ मंदिर में लगा खिचड़ी मेला, सीएम योगी ने तड़के सुबह 4 बजे मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। दिन भर श्रद्धालुओं के लिए खोले रहे मंदिर के कपाट। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में उसरी चट्टी कांड में माफिया मुख्तार की पेशी न होने को लेकर कोर्ट ने जताई नाराजगी। यूपी के DGP और DIG जेल को भेजा पत्र, 17 जनवरी को हर हाल में पेश करने का दिया आदेश। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में 20 से 25 यात्री हुए जख्मी, बस में सवार लगभग 50 यात्री थे, फिरोजाबाद से मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे यात्री। कासगंज के नीवलपुर गांव में गिरी निर्माणाधीन दीवार, हादसे में दबकर 2 सगी बहनों और एक भाई की मौत, मलबे में दबने से पिता की हालत गंभीर। देशभर में आज मनाई जा रही मकर संक्रांति, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया महास्नान, आसमान में दिखा पतंगबाजी का मंजर। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।